दोस्तों नथिंग बॉन 2 के बारे में ऑलरेडी 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। दोस्तों आपको क्या लगता है नथिंग बॉन 2 के बारे में, स्पेशली कैमरा मॉड्यूल शेप कैसा रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड ट्रायंगुलर, ड्रॉप ए कमेंट फॉर मी। तो मैं 2-3 रीजन आपको बताना चाहूंगा कैमरा डिजाइन लेआउट के बारे में, और हो सकते है चेंज भी हो सकते है, ये गारंटीड चीज तो नहीं है, लेकिन जो मेरा परसेप्शन है, थोड़ा बहुत मेरा टेक के बारे में नॉलेज है, उसी बेसिस पे आपको बताने जा रहा हूँ। सो हाय, दिस इज सुमित, यू आर वॉचिंग विद द टेक्नोक्रेट्स ऑफिशियल। स्टे हाई ऑन इंडिया। तो नथिंग फोन 2 जो कि लॉन्च होने वाला है कुछ ही हफ्ते बाकी है, एंड जो टेक एंथुजियास्ट है उनके द्वारा ऑलरेडी बात फैला हुआ है स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर। तो यूट्यूब में भी काफी सारे कॉन्सेप्ट लेकर चैनल्स फिलहाल के लिए आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अपकमिंग गैजेट्स एंड स्मार्टफोन के ऊपर रेंडर्स एंड जो कॉन्सेप्ट है उसको 3D ग्राफिक्स के मदद से शोकेस करता रहता है, एंड काफी बार सही भी साबित होता है, यानी कि क्लोज टू ऑफिशियल प्रोडक्ट जैसा। और ऐसा दो चैनल है, एक जो है 4RMT नाम से यूट्यूब में, और जो दूसरा है कॉन्सेप्ट सेंटर, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही। तो फिलहाल के लिए बात कुछ ऐसा निकल कर आ रही है कि कैमरा मॉड्यूल किस तरीके से रह सकते हैं। देखिए, एज कम्पेयर टू 4RMD कॉन्सेप्ट सेंटर के जो रेंडर्स है वो ज्यादा यहाँ पर भरोसामंद मेरे को लग रहा है, क्योंकि अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव व्यू से देखे तो मिडिल पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल जो कि ज्यादा हीटिंग जनरेट करती है एज कम्पेयर टू साइड कैमरा मॉड्यूल। कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा है कि आखिर क्यों? आईफोन ज्यादा तो बना भी सकता था, क्योंकि एप्पल के पास जो है R&D का वो कमी नहीं होता है उसके पास, तो उन्होंने क्यों नहीं बनाए? तो इसमें जो सबसे बड़े प्रॉब्लम है दोस्तों वो है, पहला है यहाँ पर जो वेपर चैम्बर है, और जो दूसरा वेपर चैम्बर अगर ना भी हो किसी भी फोन के अंदर तभी जो हीट है हीट को बाईपास करने में काफी ज्यादा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, काफी हीट जनरेट करती है। तीसरा जो है टेक्निकल रीजन, वो जो प्रोसेसर है प्रोसेसर को प्लेस करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए जो डिजाइन है बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करना तो उसको साइड में ही आपको करना पड़ेगा। तो ये तो था टेक्निकल रीजन। अगर हम डिजाइन इन एंड फील्ड है, यानी कि अगर एक कस्टमर के पार्सल टिकट एंगल से देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पर काफी अजीबगर को देखने को लगेगा। मतलब सैमसंग का जो डिजाइन था काफी अट्रैक्टिव था उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, एंड वो की हाथ में लेने में अभी सही भी लगता था। लेकिन अगर आप देख रहे हो ये जो नथिंग 2 का डिजाइन है, ये कोई डिजाइन है? ये तो पूरा नथिंग 2 का नाम खराब करके रख देगा। और जो कॉन्सेप्ट सेंटर है, इन्होंने जो ट्राइंगल मॉडल को शोकेस किया है वो एक तरीके से सही है, ऐसे ही रहने वाले, लेकिन थोड़ा चेंजेस किया जा सकते, नहीं तो हुबाहू जो 12 प्रो उसकी तरह ये कॉपी हो जाएगा। अगर कॉपी हो जाएगा तो सैमसंग आईफोन के बीच में जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर को लेकर केस वगैरह हुआ था वो हो सकता है, तो आई डोंट नो व्हाई बट ऐसा लग रहा है। एंड दोस्तों आप खुद से ये जो दोनों इमेज है या फिर वीडियो साइड बाय साइड रख के आप इसको बार बार देखो, कौन सा आपको ज्यादा प्रैक्टिकल एंड ज्यादा पसंद आता है वो मेरे को कमेंट करके बताएगा। इसके अलावा जो ग्लिफ इंटरफेस है एंड जो बेजल्स है उसको थिनर किया जाएगा, सिमेट्रिकल बनाया जाएगा, एंड ग्लिफ इंटरफेस में जो है लाइट का इफेक्ट एंड लाइट का भी जो कलर उसको चेंज किया जा सकता है। बाकी डिटेल्स पहले मैंने ये बार शेयर कर दिया, एंड दोबारा से सेम चीज को बताया अगर इस वीडियो को खाम का मैं लंबा नहीं करना चाहूंगा। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं अपकमिंग नथिंग 2 के बारे में, अपना जो कीमती राय है हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। सो बाय बाय दोस्तों, नमस्कार, हाय जी।